क्योंकि आपका कलब जारी है। क्या जारी है? दिल जारी है। आप जाओगे उस लोग के दरमियान, सब में खड़े होंगे तो आपके वजह से उस लोग का भी नमाज कबूल होगा। कंजूसी नहीं, हम तो हर जगह पढ़ते हैं, हम तो गाड़ी में भी पढ़ते हैं, जहाज में भी पढ़ते हैं, सीट पे बैठ के भी पढ़ते हैं, जमीन के हर कोने में पढ़ते हैं। खुदा ने तो मेरे और आपके लिए हर जमीन साफ कर दी है, जमीन का टुकड़ा टुकड़ा साफ किए, हर जगह नमाज होता है। हमें तो जो जिसका भी मस्जिद पढ़ते हैं, तो मैं मस्किन को बोला कंजूसी मत करो, शक मत करो, जाया करो। बेशक वो लोग उस लोग के अकीदे ठीक नहीं है, आपका तो अकीदा ठीक है। आप उसके सफों में खड़े होंगे तो शायद आपके वजह से खुदा उस लोग का भी नमाज कबूल करेगा। दूसरा, और ये होता भी है, इमाम से नमाज कबूल नहीं होता। अगर खाना काबे का भी इमाम हो और उसके पीछे लाखों लोग भी खड़े हो, उस लाखों लोग में खुदा का कोई नेक वली खड़ा हो गया, उस एक आदमी की वजह से खुदा लाखों लोग का नमाज कबूल कर देता है। अगर बाजुमात नमाज का हुक्म है, क्यों हुक्म है? कि कोशिश करे बाजुमात नमाज पढ़ा करे। अभी जो इमाम खड़ा है, इमाम के पीछे 200 300 400 लोग खड़े हैं, वो 300 400 500 लोगों में एक भी खुदा का वली खड़ा हो गया, नेक इंसान खड़ा हो जाता है, खुदा उस एक इंसान की वजह से खुदा सब होता है, इमाम समेत। दूसरा, एक आदमी फोत होता है और वो बीमार जा रहे दुनिया से, उसका जनाजा पड़ा है, जनाजा आगे पड़ा होता है, फिर जनाजे के पीछे इमाम होता है, फिर इमाम के पीछे मुक्तदीन होते हैं। अभी जनाजा आगे, पीछे इमाम है, इमाम के पीछे मुक्तदीन है, लेकिन उस मुक्तदीन में कोई भी वली खड़ा हो गया, नेक इंसान खड़ा हो गया, अभी वो आदमी बीमार जा रहा है, खुदा उसको बख्श देता है। सिर्फ जनाजे पे खड़ा हो जाता है, सिर्फ जनाजे पे खुदा का नेक इंसान खड़ा हो गया, इसलिए हुक्म है कि ज्यादा कोशिश करें जनाजे में। अगर 200-300 लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें तो कोई ना कोई अल्लाह वाला तो होगा। आजी कोई तो किस पे दोस्त, सारे सारे बीमार नहीं होते, कोई नेक इंसान तो होता है। तो बाबा अली साहब के जो मसाकीन है, हजारों लाखों मसाकीन है, सबके कलब जारी है, सबके तकरीबन सबके दिल जारी है, अल्लाह राजी है, अल्लाह राजी तो आपका मेरा और आपका दिल जारी है। जिसका कलब जारी हो, जिसका जिक्र जारी हो, और वही मस्कीन अगर वो अपने आप को समझता भी नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। वो बाटा साहब बोलते थे कि जो कामिल वली होते हैं उसको भी पता नहीं होता कि मैं कामिल वली हूं, उसको अपनी ताकत का पता ही नहीं होता। अगर मुझ पे और आप पे रहम है तो निस्बत से है, किसकी निस्बत से? बाबा जी की निस्बत से है। जिसका कलब जारी है, मेरा ईमान है, अगर वो किसी के जनाजे में खड़ा होगा, खुदा उसको बख्श देगा। अगर वो किसी के साथ जुमात में खड़ा हो जाएगा नमाज, खुदा सारों को लोग का नमाज कबूल करेगा, क्योंकि उसको खुदा मेरा बान है। अच्छा वो है जो आलिम है, मुफ्ती है, नहीं, अच्छा वो है इस पे अल्लाह मेरा बान है, इस पे अल्लाह मेरा बान है, वो अच्छा है। जिसको खुदा ने मुकाम, खुदा ने इज्जत दिया, और जिस पे अल्लाह मेरा बान है वो ही अच्छा है। वो बोलते हैं जो आलिम होते हैं, वो जो आलिम होते हैं वो चलता कलम से, किसे, और सूफी चलता है कदम से। बहुत बड़ा फर्क होता है, कलम पे चलना, कलम में वो चल सकते हैं जो किताब में लिखी चीज है वो आप लिखते हैं, जो वली होता है वो नए नए चीजें भी देखते हैं, नए नए चीजों पर चलता है। फर्क है, जिस तरह गाड़ी में एक नेविगेशन सिस्टम होता है, क्या होता है नेविगेशन सिस्टम जो गाड़ी में होता है, उसमें जैसे पाकिस्तान का नक्शा है, पाकिस्तान का नक्शा वो हमें, मुझे और आपको गाइड करते हैं रास्तों का। अभी कंपनी की तरफ से वो चीज जो चीज उसमें डाउनलोड की है वही चीज दिखाएगा, अभी उसको कोई अपना इलम तो नहीं है। जो चीज है उसमें डाली जाती है, लोड किया जाता है, पूरे पाकिस्तान का नक्शे रास्ते आपको दिखाएगा। अभी नए रास्ते बने, उसको नहीं पता, क्या नहीं पता, नहीं पता, बाद जगह पे जा रहा वो दिखाता भी नहीं।
आपका क्या गैरत है? खुदा एक नज़म जो रब का गैरत है, रब का शान है, रब का ज़र्फ है, मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि वो अपने दोस्त के खातिर क्या नहीं करेगा और क्या करने वाला है। हिंदू मुसलमान हुए, सिख मुसलमान हुए, उसके सोहबत नस्बत के वजह से, और खुदा ने उसको मुसलमान भी किया, शुमार भी किया और अपने वलियों के सपों में भी खड़ा कर दिया, सिर्फ रसूल की आल की सोहबत के वजह से। अगर आप बाबाजी साहब को देखें, कृष्ण पांडे बाबाजी साहब कौन है? रसूल की आल के से रसूल है। मैं और आप बाबाजी साहब के सोहबत नस्बत इख्तियार करेंगे तो खुदा मेरा और आपका कल्ब जारी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये तो करेगा करेगा, इससे और भी, और खुदा अपनी नियामतों से नवाजेगा। ये तो रब की निशानी है कि मैं आपसे राजी हो गया, मैंने आपको बरी कर दिया है। जब तक इंसान दूसरा इंसान का कल्ब जारी हो जाता है, ये इतने खुदा के रहा मेहरबानी है। तो खुदा बाबा जी की दुआ से, ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं से हम और आप लोगों को ये दुआ कर रहे, खुदा हमें हर हाल में साबित कदम रखे। اللهم صل على محمد وآله وذريته بعد كل ما نبي لك دروش الفاتحه پڑھیں دروش شریف پڑھنے والا اس ٹائم تک دنیا سے پردہ نہیں کرتا دنیا سے جاتا نہیں مرتا نہیں جب تک رب العالمین مرنے سے پہلے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے جنت میں اس کو اپنا مقام نہ دکھائے یہ میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں اس کو دکھا دیتا ہے اپنا مقام کہ جنت میں آپ کا کیا مقام ہے اور خدا بھی کہ وہ ہفتے کے بعد یا دس دن کے بعد دنیا سے پرواز کر لیتا ہے درود شریف پڑھنے والوں کا یہ عمل ہے درود شریف پڑھنے والا خدا کی قسم جس کے پیچھے رسول کی آل کا ہاتھ نہ ہو اور کامل ولیوں کا ہاتھ نہ ہو دنیا میں وہ نام کمائی نہیں سکتا ہمیشہ میں بولے اگر ہم لوگ गौरी की बात करते हैं शाहबुद्दीन गौरी के बहुत बड़े अभी तक हम उसको याद करते हैं कब गुजरा है तकरीबन 8 साल हो गए 8 साल ज्यादा हो गए अभी तक हम उसको याद करते हैं उसने पूरे हिंद पूरी इंडिया पे बादशाही की
उसने बादशाह इसे नहीं की, उसके पीछे ख्वाजा गरीबुल नवाज का हाथ था। ख्वाजा गरीबुल नवाज के हाथ की वजह से उसने पूरे इंडिया पता किया, इतने फतुहात हासिल की। उस जमाने में अर्तुगरुल भी गुजरा है, अर्तुगरुल भी अगर कामयाब हुआ है, अभी मैं और आप उसका नाम लेते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी बातें लोगों को सुनाते हैं, उसकी गैरत की, उसकी हया की, अगर वो कामयाब हुए तो उसके पीछे किसका हाथ था? वली का हाथ था। उसके बेटे के भी पीछे वली का हाथ, उस्मान के पीछे। बाप ने बुनियाद रखा, बेटे ने उस पर अमल किया और बेटे ने उस पर दीवारें बनाना शुरू कर दी, फिर उसके अलवान ने उस पर अलबोज बनाना शुरू कर दिया, आखिर में उस्मान के पोते ने कुस्तुनतुनिया पता किया, सल्तनत उस्मान या कायम हुआ। 600 साल उस लोगों ने बादशाही की, कितने 600 साल, अभी 100 साल उसके बाद लोगों के बादशाही खत्म। इस इस्लाम का काम किया, क्योंकि पीछे वली का खाक, पीछे अवलिया कराम का खाक, पीछे अशोबत एक अशोबी का खाक, अयूब अंसारी साहब का भी खाक था उसके पीछे, उस्मान के पोता, क्या नाम है उसका, सुल्तान मोहम्मद पाटे, ये उस्मान का पोता है, मतलब वो भी अकबर के खानदान में से, उसके पीछे किसका हाथ था, अयूब अंसारी साहब, या उस पर बड़ा रोजा बना हुआ है इस्तांबुल में, अयूब अंसारी साहब बहुत बड़े असहाबी है, कसम मैं उधर किया, वहाँ जितना सुकून है, अल्लाह पे यकीन करो, मैं तुर्की में इस्तांबुल में घूमा, कसम मैं उधर किया, उधर मैं बैठा रहा उधर मस्जिद में, इतना सुकून, क्यों, सबसे बड़ा सहाबी है, तो वह सहाबी है जहाँ उसके घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट मुबारक बैठ गई थी मदीना शरीफ में, वह सहाबी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने फिर हदीस सुनी कि किसको दुनिया पता होगा, और जो लोग कुस्तुन दुनिया में शामिल होंगे उसके कितने उसके सवाब की बातें की, दर्जात की बातें की, तो फिर अयूब अंसारी साहब एक जंग के लिए आया था कि मैंने भी कुस्तुन दुनिया पता करना है, शरीक होना है, उसके हाथों से नहीं हुआ, वो शहीद हुआ, और जिसके हाथों से पता होना था अर्तुगरुल के अलवाज, एक छोटे बच्चे के हाथों से पता हुआ। फातिह मामा के उस टाइम कितना उम्र था, 22 साल, 22 साल की उम्र में उसने कुस्तुन दुनिया पता किया। तारीख है 22 साल में उसने कुस्तुनतुनिया पता की। उस कुस्तुनतुनिया पे बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बादशाहों ने कोशिश की, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस सुनते थे, कोशिश करते थे, लेकिन नाकाम होते थे। किसके खाते से रब ने काम करना था, 22 साल की उम्र के बच्चे से, 22 साल की उम्र में उसने ये कुस्तुनतुनिया पता की। उसके बाद पूरा सल्तनत उस्मानिया सही तरीकों से कायम हो गया, 600 साल उसके बाद बादशाही की। जितने भी अब्दुल हमीद खान थे सारे गुजरे ये अर्तुगरुल के खानदान में से, कैसे मोहब्बत करते थे रसूल पाक से, रसूल पाक की मोहब्बत से, रसूल पाक के अदब इज्जत से खुदा ने उसको इतने बड़े बड़े मुकाम दिए। जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं, इज्जत नहीं, एहतराम नहीं, खुदा के कसम हर सजदा, हर नमाज, हर इबादत, उमरे और हज सारे मुशक्कत है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत आ गया, बस गया, खुदा की कसम उसका नमाज भी कबूल है, उसका हज भी कबूल है, उसका उम्रा भी कबूल है, रब भी उसे राजी है, ये दुनिया भी उसका है, वो दुनिया भी उसका है। इसके बाद फिर अस्तगफार है, अस्तगफिरुल्लाह अलअजीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम वअतूबु इलैहि। अस्तगफार सुबह और मगरिब के टाइम पढ़े, क्योंकि हम इंसान खताकार है, गलती खता हो जाए, मैं और आप सुबह और मगरिब के टाइम अस्तगफार पढ़े, खुदा मेरे और आपकी गलती खताए माफ कर देता है। जिसका अलवाद न हो, अस्तगफार पढ़े, खुदा उसको अलवाद दे देता है। रहमत की बारिश लो, अस्तगफार पढ़ना शुरू करो इस नियत के लिए, खुदा रहमत की बारिश ही बरसा देता है। जिसके घर में कुआं हो, क्या हो, पानी वाले, अभी तो कुआं नहीं, बोर होते, बोर में पानी कमी हो, कमी आ जाए, अब ट्राई करे अस्तगफार पढ़ना शुरू करे इस नियत से कि इसमें पानी ज्यादा, पानी अल्लाह ताला पानी ज्यादा कर लेता है। मैं सिर्फ पेदे बताता हूँ आप लोग अस्तगफार की। जिसकी फसल हो, जमीन हो, उसमें बागात हो, फल फ्रूट की बरकत के लिए अस्तगफार पढ़े, खुदा ज्यादा कर देता है। और सबसे बड़ी चीज अस्तगफार का ये पद है कि खुदा मेरे और आपके गलती खताओं को माफ कर देता है। खुदा हम सबको अल्लाह के गजब से बचाए। अगर कोई अल्लाह के गजब में भी हो और अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दे, खुदा का गजब और
जख्म में तब्दील हो जाता है। अस्ताफा इतना कैसा इबादत है, लेकिन सुबह के टाइम मगरिब के टाइम आप लोग पढ़ा करें। खुदा मेरे और आपकी गलती खताएं माफ करें। इसके बाद कलिमा तुल्मा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमा तुल्मा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका भी जिक्र वजह करें दुरूद शरीफ के साथ साथ दिन में किसी भी टाइम 5-6 मरतबा इस तरह कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह से हम किसी को मुसलमान भी नहीं कर सकते, काम चलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिर्फ अतीउल्लाह से काम नहीं चलेगा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल से काम चलेगा। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से काम चलेगा। कब्र में सवाल जवाब सिर्फ अल्लाह के नाम से नहीं चलेगा, अल्लाह और रसूल के नाम से चलेगा। क़यामत का दिन का हिसाब किताब वो भी सिर्फ अल्लाह के नाम से नहीं चलेगा, रसूल के नाम से चलेगा। आप लोग कलिमे तैयबे से लेकर अतात मुताबियात तक, मोहब्बत तक, कब्र तक, क़यामत तक, खुदा ने हर मुकाम पर, हर कदम पर अगर कोई चीज मुकम्मल की, किसके नाम पे मुकम्मल की? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुकम्मल है कि नहीं? हाँ जी, खुदा की कसम जिस कलिमे में मोहम्मद का नाम नहीं वो कलिमा मुकम्मल नहीं, और जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं खुदा की कसम उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं। और जहां जहां पे रब है, जहां जहां रसूल नहीं है उधर हर चीज नामुकम्मल है, उधर इबादत भी नामुकम्मल है, मोहब्बत भी नामुकम्मल है, अकीदा भी नामुकम्मल है, कब्र के सवाल जवाब भी नामुकम्मल है, क़यामत का दिन का हिसाब किताब भी नामुकम्मल है, और कलिमा तौबा भी नामुकम्मल है, मोहब्बत भी नामुकम्मल है, ईमान भी नामुकम्मल है। जहां रब रसूल है उधर हर चीज मुकम्मल है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, इसका भी जिक्र वजह अब करें दिन में किसी भी टाइम 5-6 मरतबा। इसके बाद फिर सूरत इखलास है, तो आप लोग नमाज पढ़ते और आप लोग को याद है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद, इसका भी जिक्र वजह अब करें ईशा की नमाज के बाद। जब आप लोग ईशा की नमाज पढ़ते हैं, घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, जब नमाज से फारिग हो जाते हैं उसके बाद सूरत इखलास का वजह अब करें 3-5 या 7 मरतबा, बहुत बड़ा सवाब है। इसके बारे में हदीस भी है, इसके बारे में हमारे बड़े बाबा रिसा भी फरमाते हैं, जिसने कुरान शरीफ पढ़ा हो ना पढ़ा अगर उसको दिन के वक्त टाइम नहीं मिलता तिलावत की, कोई भी इशा की नमाज के बाद 3-5-7 मरतबा सूरत इखलास के वजह करे खुदा उसको कुरान बराबर का सवाब दे देता है। इसके बाद फिर है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, ये भी लोग नमाज पढ़ते हैं, इसका भी वजह करे दिन में किसी बेटे 5-6 मरतबा। इसके बाद फिर एक दुआ है या हु हादी रब ला तजर अलल अर्दे कौमुल ज़ालिमीन, या हु हादी रब ला तजर अलल अर्दे कौमुल ज़ालिमीन, के वो हिदायत देने वाले मेरे रब न छोड़े जमीन पर कौम ज़ालिम। ये दुआ भी पढ़े, रब से ये दुआ मांगे या हु हादी रब ला तजर अलल अर्दे कौमुल ज़ालिमीन, के वो हिदायत देने वाले मेरे रब न छोड़े इस जमीन पर कौम। ये सारे असबा के हमारे बाबा जी साहब का सिलसिला चिश्तिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ, हमारा बाबा जी साहब का वही सिलसिला है, ये वो सिलसिले के असबाक है, मैंने समझा दिया बता दिया, इस पर अमल करें, अच्छा लगा, सुकून मिला, खुशी मिले, पढ़े नमाज भी साथ पढ़ा करें, रात के टाइम तहज्जुद नमाज भी पढ़े, कोशिश करें 4 रकात से लेकर 12 रकात तक, कभी 4 कभी 6 कभी 8 कभी 12 कभी 8 कभी 10 कभी 12, 12 से ज़्यादा नहीं है, 4 रकात से कम नहीं। तहज्जुद नमाज आप लोग 1 बजे के बाद फजर नमाज से पहले किसी टाइम पढ़ सकते हैं, उसका भी कोशिश करें, क्योंकि तहज्जुद नमाज का सवाब अल्लाह खुद देता है और अल्लाह उसका गवाही देता है। फरिश्तों को बोलते देखो सारे मखलूक सोई है लेकिन ये मेरे इबादत में खड़ा है, वो बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं ना कि तहज्जुद नमाज बड़े लाडली इबादत है, क्या इबादत है, वो हर चीज मनवा लेता है, अल्लाह भी यकीन ये हर चीज़ क्या कर लेता है, मनवाता है, बड़ा कोशिश करें, ठीक है ना, मैं तो आप लोग कोशिश करें तो मैं अल्लाह ताला हम सब रहा मेहरबानी करेगा, बाकी अल्लाह ताला आप लोग को इज्जत दे, खुशियाँ दे, खुदा कामयाबियाँ दे, दुआ करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व सल्लम।
اللهم صل على محمد وآله وبرکاته بعد كل ما من لك خدایا بابا جی کی دعا سے خواجہ غریب نواز کی دعاؤں سے خدایا پورے عالم کے مساکینوں کا اتفاق نصیب کرے خدایا مساکین کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں جو بھی تکالیف ہو خدا سب بابا جی کی دعا سے دور کرے خدا جس کا گھر آباد نہیں اس کے در آباد کرے جس گھر میں نارینا الوار نہیں خدا اس کو نارینا الوار سے نوازے جس کا سلطان ذکر کل بھی ذکر نہیں ہے کل بھی ذکر سے نوازے جس کا کل بھی ذکر ہے اس کو استقامت نصیب کرے خدایا بابا جی کی دعا سے خواجہ غریب نواز کی دعاؤں سے ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم کرے خدایا پاکستان اسلام کے دشمنوں کو تباہ برباد کرے جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہے خدایا اس لوگ کو ترقی نصیب کرے جو ہمارے ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے خدا سب کو تباہ برباد کرے خدایا جو لوگ ہمارے ملک کے اندر فتنا فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں خدا اس کو ہدایت دے ہدایت نہیں تو خدا سب کو تباہ برباد کرے خدایا جو انڈیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں خدایا اس لوگ کو اپنی آزادی نصیب کرے خدایا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں خدا ظالموں کو تباہ و برباد کرے خدایا بابا جی کی دعا سے خواجہ غریب نواز کی دعاؤں سے جو لوگ پاکستان افغانستان دونوں ممالکوں میں بے اتفاقی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں خدا اس لوگ کو بھی تباہ برباد کرے خدایا اس لوگ کا نام نشان ختم کرے خدایا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدایا اس لوگ کا بھی نام و نشان ختم کرے خدایا جو محبت کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدایا اس لوگ کا ہاتھ ہمیشہ بر رکھے خدایا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں رکھے خدایا ایسا دن لائے ہمارے اور آپ کی زبانوں پہ رسول کا تعریف نہ ہو درود نہ ہو خدایا ہمارے دلوں میں رسول کی محبت کو بسائے خدایا ہم آپ کو راضی نہیں کر سکتے آپ ہم سے راضی ہو جائیں خدایا اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی خدایا ہم سب کو اپنے حبیب کے خاطر معاف کریں خواجہ غریب النواز بابری صاحب کے خاطر خدایا ہم سب کو معاف کریں خدایا ہم سب کو آنے والے غم و تکلیفوں سے بچائے اس بوجھ اس امتحان سے بچائے کہ ہم لوگ قابل نہیں ہیں خدایا جتنے مساکین اس ملک سے باہر ہیں مسافر ہیں خدایا اس لوگ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹیں جو بھی مشکلات ہیں خدا سب بابا جی کی دعا سے دور کریں خدایا جہاں جہاں پہ مساکین آباد ہیں درود دروش شریف پڑھتے ختم کرواتے وہاں پہ سب کو ترقی نصیب کرے خدایا مساکینوں کو کسی کا محتاج نہ کرے کسی کا مجبور نہ کرے خدایا ہم سب کو اپنے رحم اور اپنے مہربانی میں رکھے بابا جی صاحب آپ کے مساکین ہیں آپ کے در پر ہیں جو بھی اس کے دلوں میں خدا پورا کرے خدایا بابا جی کی در سے بابا جی صاحب کی دعاؤں سے صحبت سے نسبت سے کسی کو بے نواز لے جائے خدایا مساکینوں کے ہاتھوں سے خیر کا کام لے اسلام کا کام لے مسکینی کا کام لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کا کام لے خدایا ہم سب کو اپنے رحم اپنے مہربانی میں رکھے خدایا ہم سب کو اپنے رحم اپنے مہربانی میں رکھے خدایا جتنے مساکینوں کے رشتہ دار دنیا سے پردہ کر گئے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے سب کو خواجہ غریب النواز بابا علی صاحب کی مدد نصیب کرے خدایا سب کے درجات بلند کرے خدایا ہم سب کا بھی آخری خاتمہ ایمان کے ساتھ رکھے عجزی کے ساتھ رکھے مسکینی کے ساتھ رکھے بابا علی صاحب خواجہ غریب النواز کے نیک نظر اور دعاؤں کے ساتھ رکھے خدایا بابا علی کی دعاؤں سے خواجہ غریب النواز کی دعاؤں سے ہم سب کو اپنے رحم اپنے مہربانی میں رکھے خدایا ہم سب کو اپنے رحم اپنے مہربانی میں رکھے خدایا ہم سب کو اپنے رحم اپنے مہربانی میں رکھے خدایا ہم سب کو اپنے رحم اپنے مہربانی میں رکھے اللهم صل على محمد وآله وذريته بارد كل وعد بالله محمد وآله وذريته بارد كل ما لم لك اللهم صل على محمد وآله وذريته بارد كل ما لم لك يا هو هادي رب لا تذر على الارض قوم ظالمين يا هو هادي رب لا تذر على الارض قوم ظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره